हम बताने वाले हैं कि गूगल प्ले स्टोर को कैसे आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। अगर आप न्यू फ़ोन लेते हो या अपने मोबाइल का रीसेट करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता होगा। तो यहाँ पे जो साइन इन का एक ऑप्शन आता होगा और आपका अकाउंट बनाने के लिए आता होगा कुछ ऐसा ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो साइन इन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया। अब यहाँ पे जो जीमेल आईडी जो बनाने के लिए यहाँ पे प्रोसेस आ चुका है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फॉर माय पर्सनल यूज इस पर जो क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो नाम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। तो जो आपका नाम रहेगा वहाँ पर फिल कर देना है, ये अपना नाम डाल देना और लास्ट नेम डाल देने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना। तो जो आपका मंथ रहेगा वो मंथ है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और जो आपका अपने हिसाब से रहे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करना है। जेंडर पे क्लिक करने के बाद मेल पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए आएगा। तो आपको एक जीमेल आईडी है जो अपना जीमेल आईडी का जो यूज़र नेम यहाँ पे अपने हिसाब से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं यूज़र नेम, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन भी आने लगेगा। अब दो तीन बार आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, यूजर नेम यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे नेक्स्ट करके देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे देता है, तो अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जो थोड़ा मेहनत करके यहाँ पर जो अपना यूजर नेम यहाँ पर अपने अच्छे यूजर नेम आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। और अच्छे यूजर फाइंड नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल, इस पर जो क्लिक करके आप बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपको और अपने हिसाब से अपने थोड़ा टाइम दीजिएगा और टाइम देने के बाद यूजर नेम बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ यूजर नेम बन चुका है और यहाँ पे जो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है, जो आपका पासवर्ड अपने हिसाब से लगाना हो वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। तो पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा यस आई एम इन, इस पर जो क्लिक कर देना और यहाँ पे जो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लगभग आपका जीमेल आईडी है जो क्रिएट हो चुका है और आपका जो साइन इन का ये आ रहा था इंटरफेस वो आप जो हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कुछ वेट कीजिएगा और फिर जो आपका जीमेल आईडी है जो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जो आपका जो प्ले स्टोर यहाँ पे खुल कर आ जाएगा, इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जो आपका जीमेल आईडी है जो बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पे पता करने के लिए जीमेल आईडी देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है और इस पर क्लिक करना और यहाँ पे देख सकते हैं जो जीमेल आईडी मैंने क्रिएट किया वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो आप अपना जो जीमेल आईडी है जो क्रिएट कर सकते हो, जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है जो क्रिएट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।